तंत्र साधना के मनमोहक लाभों को देखकर अधिकांश लोगों का मन विचलित हो जाता है। बाहरी क्रियाकलापों की सरलता को देखते हुए कोई भी तंत्र साधना करने को तैयार हो जाता है, किंतु सबको यह जान लेना चाहिए कि तंत्र जितना सरल दिखता है असल में उतना सरल है नहीं। तंत्र उस बियाबान जंगल से होकर गुजरने का रास्ता है जो दूर से तो बहुत ही सुंदर और सुहाना लगता है, लेकिन जब उसमें प्रवेश किया जाता है तो उसकी भयानकता का एहसास होता है। तंत्र शास्त्र के प्रति आम लोगों में हद से ज्यादा सम्मोहन और झुकाव को देखते हुए विद्वान तंत्राचार्यों ने तंत्र ग्रंथों को अलंकारिक भाषा में लिखा, जिसे सिर्फ अधिकारी पात्र ही समझ सके। इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं और कुछ बातें छुपाई गई हैं। इसलिए तंत्र ग्रंथों में जहां तहां जो विद्या मिलती है वो फलित नहीं होती, क्योंकि कोई भी विधि पूर्ण रूप से नहीं लिखी हुई है, और जो भी विधि लिखी गई है वो इस तरह से लिखी गई है कि इसे प्रथम दृष्टया देखने पर उसके गूढ़ रहस्यों तक पहुंचना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए तंत्र का महान ज्ञान सालों से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अतः किसी को भी आवेग में आकर बिना योग्य मार्गदर्शन के किसी भी तंत्र साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा हो सकता है। यदि आप 4 किताबें पढ़कर ये साधना करने की सोचते हैं, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है, तब भी आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे, और ये परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं ये आप इस घटना से जानेंगे। एक बार एक व्यक्ति किसी साधु से जादू टोने से संबंधित बात कर रहा था, तो उन साधु ने बताया कि तंत्र मंत्र ठीक नहीं है, इनके बारे में ज्यादा मत सोच, क्योंकि जितना ज्यादा इसके बारे में जानेंगे या सोचेंगे उतना ही इसे और जानने और इस्तेमाल करने का विचार मन में आने लगता है। ऐसा कहते हुए साधु अचानक ही बहुत गुस्से में आ गए थे। उस व्यक्ति को साधु का इस तरह अचानक इतनी सी बात पर इस तरह क्रोधित हो जाना बहुत अजीब सा लगा, और उसने निवेदन किया कि बाबा जी आखिर बात क्या है। तब उन्होंने तंत्र से जुड़ी एक सच्ची घटना उसे सुनाई। इस अनोखी घटना से पता चलता है कि तंत्र साधना कितनी भयानक रूप ले सकती है। एक महिला ससुराल में ज्यादा झगड़ा होने की वजह से अपने मायके चली आई थी। उसके मायके में उसके पिताजी सहित 4 भाई थे, किंतु कुछ ही दिनों के बाद सभी भाई अलग अलग होने लगे। तब वो महिला अपने पिताजी के पास रहने लगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही उसने स्वेच्छा से अलग रहने की इच्छा व्यक्त की, तो उसके पिताजी ने उसके लिए एक अलग घर ले दिया जिसमें वो अकेली ही रहने लगी। साधु ने बताया कि वो महिला तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करती थी, और तंत्र के बारे में जहां से भी कोई जानकारी मिलती उसे वो तुरंत पूछ लेती। और ऐसे ही एक बार गांव में तांत्रिक बाबा आए हुए थे। उस महिला ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर भोजन कराया। इसी बीच उसने तांत्रिक बाबा से तंत्र मंत्र के रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की, साथ ही ये भी कहा कि वो तंत्र क्रिया सीखना चाहती है। उन तांत्रिक बाबा ने उसे मसान के पिशाच की सिद्धि की विधि बताई, किंतु साथ ही बाबा ने उस महिला को यह स्पष्ट कह दिया था कि यदि मसान के पिशाच को सिद्ध करना है तो मन पर कठोर नियंत्रण और दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। कमजोर मन से इस क्रिया को कर पाना लगभग असंभव है, क्योंकि तांत्रिक साधना करने वाले को साधना काल में कभी कभी डरावने भूत प्रेत पिशाच देव और दानव जैसी आकृतियां दिखाई दे जाती हैं। साथ ही यदि हो सके तो तंत्र साधना के समय 2 रक्षकों को साथ में रखा जाए, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में वो आपकी रक्षा कर सके। महिला ने पूरी विधि समझ ली। तांत्रिक बाबा उन्हें वो विधि समझाकर आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। तब उस महिला ने 2 हट्टे कट्टे लोगों को लालच देकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया, और उन दोनों रक्षकों को साथ लेकर
वो निश्चित दिन पर शमशान में पहुंच गई। अब तक उस महिला ने बाबा जी की बताई विधि को कंठस्थ कर लिया था। फिर जैसे ही उसने तेल का दीपक जलाकर पिशाच का आवाहन किया, तुरंत ही तेज हवाएं चलने लगी। वो जिन दो रक्षकों को लेकर गई थी, वो शरीर से तो हट्टे कट्टे थे, लेकिन असल में वो कमजोर मानसिकता के लोग थे। एक तो रात का गुप्त अंधेरा, ऊपर से ये विचित्र हवाएं, वो दोनों डर से कांपने लगे, किंतु फिर भी जैसे तैसे डटे रहे। महिला ने पूजन करके तांत्रिक मंत्र का जाप करना शुरू ही किया था कि अचानक हवाएं और तेज हो गई। अब तो वो दोनों रक्षक बहुत अधिक डर चुके थे। भयंकर हवाओं और आंधियों के बावजूद वो पसीने से भीगने लगे। वो निश्चय कर चुके थे कि बुढ़िया मरे तो मरे, हम तो चले। ऐसा सोचकर वो वहां से भाग खड़े हुए। उनके भागने से उस महिला के मन में संकोच आ गया। वो बीच साधना में पहुंच चुकी थी, किंतु अपने मन को तैयार नहीं कर पा रही थी। वो स्वयं भी अब बहुत अधिक डर चुकी थी, इसीलिए उसने भी साधना छोड़कर भागने का निश्चय किया। किंतु जैसे ही वो साधना से उठी, शमशान का पिशाच प्रकट हो गया। उसके पश्चात सुबह लोगों ने देखा कि वो महिला परलोक सिधार चुकी थी। पिशाच ने उसके साथ क्या किया, ये कोई नहीं जानता। क्या वाकई उसे पिशाच ने मारा था, या फिर वो अपने ही डर से काल के काल में समा गई थी। असल में तंत्र इतना सरल नहीं है जितना कि लोग इसे समझते हैं। उस महिला की सबसे पहले गलती थी कि वो बिना खुद को मजबूत बनाए तंत्र साधना के समर में कूद गई, और उसकी दूसरी गलती थी रक्षकों का गलत चुनाव। असल में अगर वो दोनों रक्षक डरकर नहीं भागते, तो कोई कारण नहीं था कि उस महिला के मन में संकोच होता। और अगर संकोच और डर नहीं होता, तो वो साधना भी नहीं छोड़ती, और फिर वो सब नहीं होता जो उस रात वहां हुआ। इसे कहते हैं पात्रता के अभाव में साधना के दुष्परिणाम। तंत्र स्वतंत्र विज्ञान है। विज्ञान में विकास और विनाश दोनों का ही सामर्थ्य होता है। आधुनिक आविष्कार और परमाणु बम जैसे हथियार इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बेशक तंत्र बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, किंतु उसके सही विधि और व्यवस्था को समझे बिना साधना के समर में कूदने का मतलब है मौत को गले लगाना। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि यदि आप तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम किसी योग्य जानकार से मिलें और उनके सानिध्य में ही साधना पथ पर आगे बढ़े। नहीं तो जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तंत्र साधना से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।